आज मैं आप लोग के सामने शिमला मिर्चा की रेसिपी के संग हम आए हैं। आप देख सकते हैं मैं दो शिमला मिर्चा से ही करने की कोशिश करूंगी, इच्छा है और भी। खैर आइए, इधर है मेरे बॉयल्ड आलू जो कि मैंने छील लिया है और मैं इसको हाथ से ही मैश करूंगी। और बाकी क्या क्या डाल रहे हैं बनाते बनाते देख लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल दिया है और इसको रिफाइंड ऑयल से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा आपका बढ़िया बनेगा। और मैंने 1 चम्मच के लगभग ज़ीरा दे दिया है और अब मैं इसमें स्पाइसी हो तो मज़ा आएगा ना, तो मैंने ग्रीन चिली दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मिर्चा हो जाए उसके बाद मैं इसमें आलू डालती हूँ। चलिए आलू को भी डाल देते हैं। आलू मैंने छोड़ दिया है, ये शिमला मिर्ची का टुकड़ा है, थोड़ा सा दे रहे तो अच्छा बनेगा। और इसी में मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालूंगी, लगभग 1 चम्मच, क्योंकि मैं प्याज लहसुन का ये बना नहीं रही हूँ तो कोई तो फ्लेवर होना चाहिए ना, तब तो अच्छा लगेगा। और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा चिली पाउडर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कितना मिर्चा देंगी, पर यकीन मानिए जो मिर्चा पसंद करता ना वो समझेगा कि मिर्चा क्यों दे रहे हैं। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई कीजिएगा। और इसी तरह अगर आलू कहीं बड़ा है तो उसको तोड़ते हुए कीजिए। और अब मैं इसमें धनिया की पत्ती मिलाकर फिर फ्राई करूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मैं अब इसको गैस से उतार दूंगी, मैं एक बाउल में रखूंगी और थोड़ा सा ठंडे होने के बाद बाकी के प्रोसेस में चलते हैं। चलिए ये मेरा कंप्लीट है। देखिए मैंने गैस को तो बंद कर दिया है, पर थोड़ा सा मैं पनीर इसमें डालूंगी। मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, मैं बस इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पनीर, ज़्यादा नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, इसको फ्राई नहीं करेंगे। बाकी अगर आप लोग इच्छा हो तो आप लोग फ्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक चीज़ आप लोग को के संग शेयर कर देना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह शिमला मिर्चा को कट किया है, अंदर का बिया मैंने हटा दिया और उसके बाद जो मैंने अभी स्टफिंग बनाई है आलू की उसको मैंने भरा है। और चलिए इसको भी भर लेते हैं और उसके बाद दूसरे प्रोसेस में चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं फिर से रिफाइंड ऑयल डाला है और 2 चम्मच ही मैंने इस समय भी डाला है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए, मैंने लो कर दिया। और एक एक करके इसको अच्छे से सेट करके बैठा देते हैं और इसको ढक के कम से कम 2 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या हाल है। चलिए देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर इसका हाफ कुक हो गया है और 2 मिनट अगर हम रखते हैं तो पूरी तरह से ही कुक हो चुका हो जाएगा। और एक बात मैं ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि ये बनाने में सब्जी के साथ मेरा जैसे कि 3 से 4 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा मेरा नहीं लगेगा। बात कारण ये है कि ये मेरा फ्रेश शिमला मिर्चा है। अगर आप 2 दिन का फ्रिज में रखा हुआ शिमला मिर्चा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मेरा लगभग हो ही गया है और चलिए मैं इसको सर्व करती हूँ। बस 1 मिनट के लिए और कुक होने दूँगी, इसके बाद सर्व करती हूँ। ये रहा आप लोग के लिए शिमला मिर्चा भरुआ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और मेरी रेसिपी अगर आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, हमें भी इच्छाएँ बनती रहे। चलिए मैं फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।